हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। लाइव क्लास में जुड़े हुए सभी बच्चे आ जाएं, पेन एंड कॉपी निकाल लें, और साथ ही साथ ऑफलाइन बैच जो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 11th जेई एनडीए स्पेशल सीयूईटी लेवल की क्लासेस यहां पे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे आज एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक। यहाँ पर सीबीएसई एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है, जो आप लोगों ने बोली है, जो बहुत ही बेसिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसको लेकर के हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल प्रॉब्लम की बुक है। ये इसका पहला पेज है। 1 to 1 हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ओके, तो नाम तो आपको क्या चीज़ दिख रहा है, वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड दूसरा दिख रहा है आपको फंक्शन। दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा मैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा फंक्शन। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? देखो, आपने मैथ्स में अलग अलग ब्रांचेस पढ़ी होंगी, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ओके, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो होती है ब्रांच ऑफ मैथ। ओके, ब्रांच ऑफ मैथ मतलब गणित की एक ब्रांच है। अगर आप गणित के बारे में बात करूँ तो आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो गणित में। बेटा, आप मैथ पढ़ के आए हो, और मैथ में आपने क्या क्या पढ़ा? मैथ में सबसे पहले आपके सामने आया नंबर सिस्टम। क्या है बेटा? नंबर सिस्टम की दुनिया आपके सामने सबसे पहले आती है, जिसमें आप पढ़ते हो सर रेशनल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, व्होल नंबर, ये सब पढ़ा ना। तो ये है कि अपना नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद एक और दुनिया खुलती है जिसका नाम है एलजेब्रा। क्या नाम है बेटा? एलजेब्रा। एलजेब्रा क्लास 7th में आपके पास पहली बार एक्स और वाई इंट्रोड्यूस होता है, तो आप सोचते हो यार ये क्या है। तो ये जो है एलजेब्रा है, मतलब आपके पास दो वेरिएबल हैं। ये क्या है? वेरिएबल। क्या है ये? जो चीज़ आपको पता नहीं होती उसको बोलते हैं अननोन। क्या बोलते हैं? अननोन। और इस अननोन को हमने क्या मान लिया? एक्स एंड वाई। क्या मान लिया? एक्स एंड वाई। तो जिस ब्रांच में एक्स और वाई इन्वॉल्व हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन एलजेब्रा। फिर आपने और मैथ की कौन सी ब्रांच करी? आपने मैथ की ब्रांच पढ़ी ज्योमेट्री। क्या पढ़ी? ज्योमेट्री, जिसमें आपने सर्कल बनाया, सर्कल का एरिया निकाला। ओके, आपने मतलब अलग अलग डायग्राम बनाए, आपने पैरेललोग्राम बनाया, अलग अलग चीज़ें करी, फिर ज्योमेट्री आ गई। फिर एक और ब्रांच करी आपने, जिसमें आपने डेटा के बारे में पढ़ाई करी। एक क्लास में 70 बच्चे हैं, 10 लोग फर्स्ट डिवीजन, 30 लोग सेकंड डिवीजन। तो ये जो ब्रांच थी बेटा, इसका नाम था स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम था? स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसे आंकड़ों की पढ़ाई, आंकड़ों की पढ़ाई, स्टडी ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ डेटा। तो ये मैथ्स की अलग अलग ब्रांचेस हैं। ऐसी एक ब्रांच और आपके पास क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होती है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है जिसका? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया? देखो, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइगोन। ये जो वर्ड है ये ग्रीस कंट्री है ना, वहाँ से आया है। ओके, इसके दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज ट्राइगोन एंड सेकेंड इज मेट्रॉन। ट्राइगोन मतलब ट्राइंगल, ट्राइगोन मतलब ट्राइंगल, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। सो एक्चुअली द ट्रिग्नोमेट्री वर्ड मीन इट इज द विच मीन्स द मेजरिंग ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, सो वट इज ट्रिग्नोमेट्री? इट इज रिलेटेड विद द मेजरिंग ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर ओनली कंसर्न्ड विद टू मेजरिंग द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, बट बिफोर गोइंग टू द ट्राइंगल वी शुड हैव द आइडिया ऑफ द एंगल, वी शुड हैव द आइडिया ऑफ द एंगल। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सर वट इज एंगल, वट इज एंगल। सो वट इज एंगल? एंगल इन सिंपल वर्ड यू से सर एंगल क्या होता है? सर ऐसा कुछ होता है, ये एंगल होता है, यस और नो? इफ आई आस्क यू वट इज एंगल, तो आप कहोगे सर एक ए लाइन होती है, एक ए लाइन होती है, बीच में ऐसा कुछ बना दो, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल। बट इज देयर एग्जैक्ट डेफिनेशन? नो। ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन। सो वट शुड बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन? या टेक दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल लाइन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल ले, ओरिजिनल रे। ओके, या फिक्स्ड रे, व्हाट इज कॉल्ड? फिक्स्ड रे, फिक्स्ड रे। ओके, एंड दिस आर द फिक्स्ड रे, एंड देयर इज सम मूवेबल रे दैट कैन मूव ऑन दिस रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड रे। ओके, सपोज दिस रे इज हियर, ओके, देन द एंगल इज दिस, दिस रे इज हियर, देन एंगल इज दिस, एंड दिस रे इज अप टू हियर, देन एंगल इज दिस। यस, सो देयर आर थ्री डिफरेंट एंगल्स, थ्री डिफरेंट एंगल्स। सो व्हाट एग्जैक्टली द आइडिया ऑफ एंगल गिव्स यू? ओके, इट गिव्स द अमाउंट ऑफ द रोटेशन, अमाउंट ऑफ द रोटेशन। सो एंगल इज वॉट? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द मूवेबल रे विद रिस्पेक्ट टू फिक्स रे, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स रे। हाउ मच अमाउंट यू हैव रोटेटेड, दिस गिव्स योर एंगल, दिस गिव्स योर एंगल, एग्जैक्टली। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एंगल। ओके, एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन, एंगल इज द अमाउंट ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स लाइन। ओके, सो आई हैव टर्म्ड द लाइन एज रे, सो नो मैटर, यू कैन यूज आइदर द लाइन और द रे, देर इज नो प्रॉब्लम।
ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ रोटेशन. वन द रोटेशन इज लाइक दिस, सी हियर, वन इज द रोटेशन लाइक दिस. ओके, नाउ यू मूविंग द मूवेबल रे इन द अपोजिट साइड ऑफ द क्लॉक, यस और नो? दिस इज क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन. एंड एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन इज टेकन एज पॉजिटिव, सो द एंगल विल बी हियर इज ग्रांटेड एज पॉजिटिव, यस और नो? एंड वेन योर मूवेबल रे इज मूविंग ऑन क्लॉक वाइज, इज मूविंग ऑन क्लॉक वाइज, देन योर एंगल विल बी नेगेटिव. सो देर आर टू सेंस ऑफ एंगल, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड विल बी नेगेटिव, राइट? सो हियर द टू टाइप्स ऑफ रोटेशन. इफ द रोटेशन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, देन द एंगल विल बी नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव वैन द रोटेशन इट इज इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. इज इट क्लियर? यस. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मीन्स हाउ वी कैन मेजर मेजर एंगल. ओके, टाइप तो हो गया दो टाइप, एक एंटी क्लॉकवाइज एंड एक क्लॉकवाइज. अब बात करते हैं कि हम एंगल को मेजर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम है. ओके, तो अलग अलग कंट्रीज, जैसे अलग अलग कंट्रीज में अपना अलग अलग करेंसी होता है. ओके, अमेरिका का करेंसी डॉलर है, यूएस डॉलर, इंडिया का रुपया है. तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज ने अपना सिस्टम अलग अलग डेवलप किया एंगल को मेजर करने का. ओके, सो फर्स्ट इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम. ओके, फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम. ओके, तो दो मेनली सिस्टम है, एक और सिस्टम है जिसका ग्रेडियंट सिस्टम है जिसको हमको पढ़ना नहीं है. वन इज सेक्सागेसिमल सिस्टम, ओके, एंड सेकेंड इज रेडियन सिस्टम. क्लियर? रेडियन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एस आई सिस्टम. एस आई सिस्टम, एस आई मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स. ओके, मीन्स अब जो ये है, ये सिस्टम आपको काम कर रहा है. अभी तक अब आप डिग्री डिग्री बोलते थे, बोलते 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, अब नहीं बोलोगे. अब आप एडवांस में आ जाओगे तो अब आपको रेडियन सिस्टम लेना पड़ेगा. कौन सा सिस्टम लेना पड़ेगा? रेडियन सिस्टम. आइए हम आपको बताते हैं कि सेक्सागेसिमल सिस्टम और रेडियन सिस्टम में मीन्स क्या है. सेक्सागेसिमल वर्ड का मीनिंग होता है 60, क्या होता है? 60. ओके, तो एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये 60-60 के डिवीज़न पर काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है सेक्सागेसिमल सिस्टम, बिकॉज इट्स वर्क्स ऑन द 60-60 सिस्टम. इसमें जो भी बात करोगे वो 60-60 में डिवाइड होगा. आओ देखते हैं कैसे. तो सेक्सागेसिमल सिस्टम को आगे जानने के लिए आप सबसे पहले सेलेक्ट करो एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल. सो दिस नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल, बिकॉज अभी तो हम एंगल पे ही है, ट्रायंगल तो बाद में जाएंगे. सो ये राइट एंगल है, यस और नो? ये राइट एंगल है बेटा. इसको 90-90 पार्ट में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. यस, इज अ 90 पार्ट है, हो गया 90 पार्ट. ये कहलाता है 1 डिग्री. क्या कहलाता है? 1 डिग्री. तो एक एक करके कितनी डिग्री हो गई? 90 डिग्री हो गई कि नहीं हुई? सो मीन्स वन राइट एंगल, एक राइट एंगल में कितनी डिग्री हैं? 90 डिग्री. एक राइट एंगल में कितनी डिग्री हैं? 90 डिग्री. क्लियर हुआ? पक्का? चलो 90 डिग्री है. अब ये 90 डिग्री वाले में एक डिग्री को मैं पकड़ा, जूम करा, ये देखो मेरे को एक डिग्री दिख गया. देखिए एक डिग्री, ये वही एक डिग्री जो अंदर बैठा था. पक्का? दिखाना. ये एक डिग्री है, ये वाला, ये ले आया. अब इस एक डिग्री को मैं फर्दर ब्रेक करता हूँ. ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा और तोड़ा, बहुत सारा तोड़ता गया, छोटा छोटा एंगल निकाला, ठीक है ना? और ये छोटा सा एंगल मैंने नन्हा सा एंगल ले लिया. एक डिग्री को मैंने कितने पार्ट में तोड़ा? 60 पार्ट में. कितने पार्ट में तोड़ा? 60 पार्ट में. मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 स्मॉल पार्ट, एंड दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड मिनट, दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड मिनट. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 60 मिनट. 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मच? 60 मिनट. क्लियर है? ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज 1 मिनट, दिस इज 1 मिनट. अब देखो भाई, अब ये जो 1 मिनट है, ये जो छोटा सा है, इसको भी 60-60 पार्ट में आपने ब्रेक करना है. ये लो, मैंने इसको 60 पार्ट में ब्रेक कर दिया, बहुत सारे, देखना भी मुश्किल हो रहा है, इतने छोटे हो गए. सो दिस 1 मिनट इज कॉल्ड हाउ मच? 60 सेकेंड. ठीक है? एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ना, वो इतने छोटे छोटे एंगल से मुड़ते हैं, क्योंकि एक डिग्री का एंगल बहुत बड़ा होता है, समझ गया ना? बहुत छोटे छोटे एंगल से रोटेशन देना पड़ता है.
ठीक है ना। सो वन राइट एंगल में कितने डिग्री, 90 डिग्री। आपका जो प्रोटेक्टर होता है, देखे होगा आपने प्रोटेक्टर, हाँ है ना, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे कितने डिग्री होता है, 5 डिग्री, कितने डिग्री होता है, फिर यहाँ पे होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ या ये जो पहला लाइन गया ये है 1 डिग्री बेटे, कितना है 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को तुमने 60 हिस्सों में तोड़ दिया, तो हर डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, और हर मिनट को फर्दर 60 पार्ट में तोड़ दिया, तो कितने सेकंड हो गए, बोलो क्लियर एकदम। बस अब कंसेप्ट बन चुका है, पहला है हमारा कि वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, वन डिग्री इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट, एंड वन मिनट इक्वल टू हाउ मच, 60 सेकेंड। यस ओके क्लियर है, ये हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड विच सिस्टम, सेक्सगेसिमल सिस्टम, या लुक हियर, ओके वन डिग्री इक्वल टू, या अभी पढ़ाया ना मैंने, नो, दिस इज टाइप वन सेक्सगेसिमल सिस्टम, रीड द डेफिनेशन इन सेक्सगेसिमल सिस्टम, मींस दिस लाइन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट सिस्टम, सेक्सगेसिमल सिस्टम, यस और नो, ओके। सो इन सेक्सगेसिमल सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री, और डिग्री को फिर ब्रेक कर लिया, वन डिग्री में 60 मिनट एंड वन मिनट में कितने सेकेंड, बोलो आगे क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो अब बढ़ते हैं आगे सर्कुलर सिस्टम की तरफ, किसकी तरफ चलते हैं, सर्कुलर सिस्टम, ओके। सो मेक द हेडिंग सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम क्या है, एक सर्कल बनाया अपन ने, ये लीजिए ये बन गया सर्कल अपने पास, ठीक है ना, ये सर्कल है। अब देखो जी यहां पर आप जानते हो, यस दिस इज व्हाट 90 डिग्री, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री किसमें था बेटा, डिग्री में था, किसमें था डिग्री में था। अब रेडियन सिस्टम में या सर्कुलर सिस्टम में इसको बोलते हैं हम पाई बाय टू रेडियन, क्या बोलते हैं पाई बाय टू रेडियन। तो पहले जो था वन राइट एंगल बेटा, वन राइट एंगल जो पहले हुआ करता था कितना होता था पाई बाय टू रेडियन, कितना होता था पाई बाय टू रेडियन। अब यहाँ पर पाई बाय टू रेडियन होगा, पहले होता था वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, क्या होता था 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो वन राइट एंगल है वो कितना होगा, वेरी गुड, पाई बाय टू रेडियन, वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय टू रेडियन, ओके। तो फर्क दोनों में समझो, पहला वाला डिग्री में है, दूसरा वाला किस में है रेडियन में, फर्स्ट वाला डिग्री में है, सेकंड वाला किस में है रेडियन में है, दोनों एक ही मेजर के एंगल हैं, यही है ओके। बस अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री में ये कितना मैं लिखता था 90 डिग्री, और रेडियन की बात करूं तो कितना हो गया पाई बाय टू रेडियन। आओ इसी बात पे बना लेते हैं फॉर्मूला, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। अब हमको समझ में आ गया कि एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है और एक राइट एंगल पाई बाय टू रेडियन के बराबर है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं, यस और नो, दोनों आपस में इक्वल हैं, मींस वी कैन से 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय टू रेडियन, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय टू रेडियन। सो वन डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय टू मल्टीप्लाई बाई 90, अरे 90 नीचे आ जाएगा ना, वन डिग्री 90 डिग्री के लिए पाई बाय टू रेडियन, तो वन डिग्री इक्वल टू पाई बाय टू अप इंटू 90। सो आंसर वन डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन हाउ मच 180 रेडियन, बोलो क्लियर हुआ। सो दिस वे यू कैन कन्वर्ट डिग्री इंटू द रेडियन, ओके दिस वे यू कैन कन्वर्ट डिग्री इंटू द रेडियन। ऐसे आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो, कैसे, देखो एक डिग्री में कितने रेडियन पाई अपॉन 180, याद कर लो, एक डिग्री में कितने रेडियन पाई बाई 180, कितने रेडियन पाई बाई 180, ओके। अब आपसे किसी ने पूछा कि 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री में इतने रेडियन है ना, रेडियन का साइन क्या होता है ये सी, ऊपर लगता है सी, जैसे डिग्री में लगता है ऊपर 90 डिग्री, 90 किसका साइन सी होता है रेडियन का, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180। आपसे किसी ने पूछा 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, सो 90 मल्टीप्लाई बाई बोलो पाई अपॉन 180, 90 से कैंसिल,
पाई बाई टू, पाई बाई टू रेडियन. इफ वी आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री इन रेडियन सिस्टम, ओके सो आंसर 30 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180. जस्ट मल्टीप्लाई, बिकॉज वन रेडियन में वन डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन है. सो 30 डिग्री में 30 इंटू पाई अपॉन 180. नाउ कैंसिल दिस, हाउ मच इट इज पाई बाई 6. वॉट रेडियन और डिग्री, रेडियन. ओके नाउ इफ आई आस्क यू अबाउट 120 डिग्री में कितना रेडियन होगा, सो 120 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180. जीरो से जीरो कैंसिल, सो 12 इंटू पाई बाई 18 काट दो, चार बार, छः बार, टू से टू सिक्स ज़ा 12, ओके तीसरे किसे काटे, थ्री से काटा अपने, थ्री से काटा. ओके नाउ टू टू ज़ा 4 एंड टू थ्री ज़ा 6, सो फाइनल आंसर विल बी 2π/3 व्हाट रेडियन. क्लियर. सो बच्चों ये तरीका है डिग्री को रेडियन में बदलने का. ऐसे हम डिग्री को किसमें बदलते हैं, रेडियन में. अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, इसे डिग्री को रेडियन बदलना सिखा दिया, रेडियन को भी डिग्री में बदलना सिखा दो. तो आइए देखते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं. ये सब कुछ आपने समझ लिया होगा अच्छे से. तो रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, फिर से मैं ऊपर की ओर वही फॉर्मूला रिकॉल कराऊंगा आपको. देखो वन राइट एंगल में कितने डिग्री, 90 डिग्री, एंड वन राइट एंगल में कितने रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन. ओके सो मैं स्टार्ट करूंगा कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री और वन राइट एंगल में पाई बाई 2 रेडियन है, मतलब एक तरीके से पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. ये सुनो, अरे अभी तो बताया वन राइट एंगल में 90 डिग्री, कन्फ्यूजन नहीं था ना, है ना, तो रोक के बोलो ना फिर. यस और नो, वहाँ पे रोकना है जहाँ पे मैं ऐसा लिखूँगा टेस्ट करने के लिए कि आप अवेयर हो या नहीं हो. तो आपको रोक के बोलना है कि सर यहाँ पे 90 होना था, 180 कहाँ से आ जाएगा. ओके रोक के बोलिए. सो पाई बाई 2 रेडियन में कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री. ओके सो पाई रेडियन में 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, बोलो आंसर कितना, 180 डिग्री. सो पाई रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री. सो वन रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन कितना, पाई. यस और नो, सो वन रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन कितना, पाई. यस, डिग्रीज इन डिग्रीज, बोलो क्लियर हुआ, इतने डिग्रीज होंगी. सो वन रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है. यस, सो एक रेडियन में इतनी डिग्रीज होती हैं. क्लियर, इसको आप सिंप्लीफाई करके और ज़्यादा लिख सकते हो, वन रेडियन इक्वल टू 180, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा. क्लियर हो गया, एक रेडियन में इतने डिग्री. चलो अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि एक रेडियन में इतने डिग्री हैं, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. देखिए वन रेडियन इक्वल टू, काटो इसको, टू से कितने बार, 11 बार, और ये कितने बार बेटा, 90 बार. सो 90 मल्टीप्लाई बाई 7 हाउ मच, 630 डिवाइड बाई 11 डिग्री. क्लियर है बेटा. चलो नाउ 630 में आप 11 का डिवाइड कर दो, 11 सिक्स ज़ा 66 नहीं जाएगा, 11 फाइव ज़ा 55, बहुत बढ़िया. 13 में से 5 गए, 8 इधर कैंसिल, 0, 7 ज़ा 7 कितना बच गया, 3. सो 1 रेडियन इक्वल टू 57, देखो क्या लिख सकता हूँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 57 रेस टू 3 अपॉन 11 डिग्रीज. मीन्स 1 रेडियन इक्वल टू 57 कंप्लीट डिग्री, यस, एंड 3 अपॉन 11 इनकम्प्लीट डिग्री. 57 कंप्लीट डिग्री एंड 3 अपॉन 11 इनकम्प्लीट डिग्री, बोलो यस और नो. अरे डिग्री ये भी तो है, बट ये डिग्री एक से बड़ी है और ये डिग्री क्या, एक से छोटी है. तो मोर क्लियरली हम क्या करेंगे, 3 अपॉन 11 है, डिग्री में है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो. एक डिग्री में कितने मिनट, 60. एक डिग्री में कितने मिनट, 60 ना, अभी तो पढ़े हो, जोर से बोलो, 60 मिनट, ठीक है ना.
तो 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया, 63 ज़ा 180, सो 57 डिग्री प्लस 180 मिनट अपॉन कितना 11, चलो सॉल्व करता हूँ 180 अपॉन 11 को, 180 बाई 11 कितना बचा 70, 11 6 ज़ा कितना बच गया, यस 57 डिग्री प्लस 11 रेज टू 6 अपॉन 4, यस और नो, 11 रेज टू 6 अपॉन 4। अब आप कहोगे सर ये प्लस क्यों आ गया, ये कहना चाहते हो ना, यस और नो, हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही बोले, 16 इज़ टू 11 अपॉन 4, अब ठीक लिखा है, हाँ 4 अपॉन 11, ठीक है, सुनना सुनना नहीं है, जहाँ लगे कि सही है बोलना भी है, तो 16 अपॉन 4 क्या है, मिनट है, क्या ये मिनट है, सो नाउ इट इज़ व्हाट 57 डिग्री 16 मिनट, एंड क्या 4 अपॉन 11 मिनट ही तो है ये, हाँ या ना, बट ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, 1 से छोटा, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या करो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड, मतलब 57 डिग्री 16 मिनट, एंड 16 4 ज़ा कितना 240 अपॉन कितना 11, तो 240 अपॉन 11 कर दो, 11 2 ज़ा 2 0, ओके 21.8 आएगा समथिंग, 90 करोगे ना, 11 8 ज़ा 88, तो आंसर 21.8 सेकेंड, राउंड फिगर में लिखो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, आया समझ में कि नहीं आया, मतलब 1 डिग्री में इतने सारे मिनट, इतने सारे 1 रेडियन में क्या चल रहा था, 1 रेडियन आप भूल गए हो शायद, ये देखो 1 रेडियन, 1 रेडियन में इतने सारे डिग्रीज होते हैं, मतलब 57 डिग्री 57 डिग्री से भी ज़्यादा, मतलब 45 तो बिल्कुल बीचों बीच निकलता, बोलो हाँ, मतलब 1 रेडियन इससे भी बड़ा होता है, होता है कि नहीं होता, लगभग 57 डिग्री मान लो, ऑलमोस्ट एवरेज ये होता है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, क्या ये 1 रेडियन इतना सारा हुआ करता है, क्लियर हो गई बात, चलो अब एक फार्मूला बताते हैं जो कि काम करता है रेडियन सिस्टम पे, क्या है फार्मूला, फार्मूला है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये काम करेगा आपका किसमें, ओनली रेडियन सिस्टम को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बोलो, सर्कुलर सिस्टम, तो ये सर्कुलर सिस्टम पे ही काम करेगा, ठीक है ना, अब यहां से डिफाइन करते हैं, तो ये एंगल किसमें आएगा, रेडियन में, किसमें आएगा रेडियन में, और यू कैन से एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन कितना रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, चलो आ जाओ फिर डिफाइन कर दें इसी बात पे, एक मैं आपको लेता हूं सर्किल, ये मैंने एक सर्किल ले लिया, लिया बेटे ओके, ये मैंने एक सर्किल ले लिया है और मैंने इस पे एक रेडियस ले ली आर, बोलो हाँ, धागे से मैंने इस रेडियस को मापा और यहां रख के धागे को उतना ही लंबा धागा यानी थ्रेड मैंने इसके ऊपर बिछा दिया, तो ये आर है, तो ये भी कितनी है, जितनी रेडियस मैंने मेजर करी थी उतनी रेडियस मैंने यहाँ पे बिछा दी, बोलो ये सुनो, तो ये आर है, तो ये भी क्या है आर है, सो दिस इज एंगल बना कि नहीं बना, सवाल उठता है ये एंगल कितना होगा, तो फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ाया, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन क्या रेडियस, सो आर की भी कितना है आर सेंटीमीटर और रेडियस भी कितनी है आर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल, ये कैंसिल, बोलो आंसर कितना आया, 1 डिग्री या 1 रेडियन, डिग्री क्यों होगा, अभी मैंने वार्निंग दी आपको कि ये फार्मूला केवल किस में लगेगा,
बोलो रेडियन में लगेगा ना, तो आंसर कितना आएगा 1 रेडियन। और जानते भी हो ना 1 डिग्री होता कितना सा है, बहुत छोटा सा नन्हा सा, और 1 रेडियन तो लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है ना, तो ये क्या होगा 1 रेडियन होगा। तो डेफिनेशन क्या होती है एंगल 1 रेडियन की, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन कब होगा, फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर, जब आर्क और रेडियस एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब एल इक्वल टू कितना आर। सो व्हाट इज 1 रेडियन, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क विच लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क वूज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, कॉल 1 रेडियन। क्लियर हुआ? और 1 रेडियन नियरली कितने डिग्री के बराबर होता है, 7 डिग्री। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नियर अबाउट 57 डिग्री एग्जैक्टली की बात करेंगे, 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। तो एनडीए में आया हुआ बहुत बार का क्वेश्चन, क्या बड़ा होता है, 1 डिग्री बड़ा होता है कि 1 रेडियन बड़ा होता है? बिल्कुल सही, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन लिखे रहते हैं, कौन सा करेक्ट है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 1 रेडियन, दूसरा 1 रेडियन ग्रेटर देन 1 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 1 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, ओके, या फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज। बोलो कौन सा सही है? सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, बिकॉज 1 रेडियन बड़ा होता है, 1 रेडियन की अमाउंट लगभग कितने डिग्री की होती है, 57 डिग्री, ये तो बहुत बड़ा है, हाँ है ना, और 1 डिग्री तो बिल्कुल छोटा सा है। डन, क्लियर, ओके, चलते हैं आगे, करेंगे प्रैक्टिस। ये देखिए जी, आ चुका है 57 डिग्री 16 मिनट, हमने तो और बाल की खाल निकाल ली, 22 सेकेंड, निकाला कि नहीं निकाला, है ना, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। ठीक है, अब तो दोस्तों ये जो मैंने बताया इससे आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज 3.1 जो आपकी है, इतने नॉलेज से कंप्लीट होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, ट्यून रहिए, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए गाइज, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन। अब भाई साहब आपको पता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट होने के लिए पहले कंप्लीट रेडियन चाहिए, सॉरी, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट होने के लिए पहले क्या चाहिए, कंप्लीट डिग्री, कंप्लीट डिग्री। बट यहाँ क्या, ये तो 40 डिग्री है और ये 20 मिनट भी है, तो पहले इसको कंप्लीट डिग्री में बदलो, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद है क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, डिग्री से। तो जनाब यहाँ तो डिग्री ये है ना, ये तो रेडियन है, तो पहले इसको पूरे को डिग्री में बदलो। तो आप लोग सब जानते हो कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, तो 20 को डिग्री में बदलना है तो बोलो कितना होगा, 1/60। अब बच्चे लोग घूम गए कि सर ये 1/60 कहाँ से आ गया, बेटा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि एक मिनट में, ना ना, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो उल्टा चलो, एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, बस सिंपल है, आया ना समझ में, तो भैया काट दो, बोलो कितना हो गया, 3, नीचे रख दो। तो यहाँ पे 40 प्लस 1/3 बोले तो 120 प्लस 1/3 कितना आ गया, 120 1/3। अच्छा ये 1/60 करने के बाद क्या बदल गया था, डिग्री, क्या बदल गया था, डिग्री, बिकॉज 1/60 का मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना। तो ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो चुका है, तो क्या करेंगे, 121/3 मल्टीप्लाई बाई डिग्री है ना, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या रखते हैं, पाई ऊपर और 180 नीचे, तो आंसर आ गया 121 पाई अपॉन 180 × 3 540। चेक करो बेटा, है ना, यस 121 पाई अपॉन 540। बोलो क्लियर है,
121 pi upon 540। डन ना, एकदम सही है। चलिए तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, इनटू डिग्री। तो बच्चे लोग आप भूल गए शायद कि मैंने आपको 1 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कराया, फिर आपने इसलिए ऐसा कर दिया। 6 रेडियन डिग्री में बदलने के लिए आपको पता है 6 रेडियन को कैसे बदलोगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई। बोलो होता है कि नहीं होता? किसी ने पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दिया हो तो भैया ऐसा ना करे, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना है। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखोगे। देखो क्या है, मेरे को कैसे याद रहता है, जिंदगी भर अपन पढ़ते आ रहे हैं डिग्री, और डिग्री में अपन क्या पढ़ते हैं, 180 डिग्री। तो मतलब अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 ऊपर पाई नीचे, और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई ऊपर और 180 नीचे, बस हो गया। तो अपन को फिलहाल यहाँ डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 ऊपर और पाई नीचे, तो 6 रेडियन 180 ऊपर पाई नीचे, 6 मल्टीप्लाई बाई है पाई, मतलब कितना, 22/7। बोलो ठीक है, चलो अब सॉल्व कर दें इसको। काटो 3 से इधर कितने बार, 2 से 3 बार, यहाँ 11 बार। ओके ऊपर कितना हो गया, 180 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 11, यही हुआ ना। और 180 मल्टीप्लाई बाई 18 कर देते हैं, 180 21 कर देते हैं, 21 00 हो गया। और 180 18 इंटू 21, चलो आप ही देख लो, 18 मल्टीप्लाई बाई 21 इक्वल 378। लो बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर गलत दे दिया है, देखो भाई कितना आया है, 378, ठीक है ना, डिवाइड बाई 11, हाँ ठीक है यहाँ तक। अब देखो अभी भी क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये डिग्री है, क्या है? ये डिग्री है। अब चलो डिग्री में देखो टोटल कंप्लीट डिग्री कितनी हुई, तो डेसिमल डिवीज़न मत करो भाई, 3780 में 11 से डिवाइड करो, 11 3 33, यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे कितना आया 8, 11 4 44, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया कितना 0, 11 3 33, यहाँ पे कितना आ गया 7। लो पता चल गया, बोलो कंप्लीट डिग्री कितनी है, 343 कंप्लीट डिग्री है। फिर कितनी इनकम्प्लीट डिग्री है, 7/11, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल डिवीज़न थ्योरम, a^b/c, 343 कितना 7/11, इसको क्या लिख सकते हो, 343 + 7/11, ये भी लिखा जा सकता है, पता आप लोगों को, इसे ये भी लिख सकते हो 343 + 7/11, ये भी क्या है, डिग्री है। डन। अब हमको क्योंकि इसको पूरा डिग्री सिस्टम में लिखना है तो मैं लिखूंगा 343 + 7/11। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो कन्वर्ट कर देना मिनट में, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो चलो मल्टीप्लाई कर दें इसको, 343 कंप्लीट डिग्री प्लस 7 × 60, 420/11 क्या मिनट, तो 420/11, 11 3 33 कितना आया 9, और इधर पे 0, 11 8 88, यहाँ पे कितना 2। ओके 343 कंप्लीट डिग्री, प्लस लगा दो या कॉमा लगा दो, काम हो चुका अपना, कॉमा कितने मिनट, 38 मिनट, यस और नो, प्लस 2/11 मिनट, इनकम्प्लीट मिनट, हाँ है ना, ये जो मिनट है 1 से छोटे हैं, तो 1 से छोटे मिनट को किस में डाल दो, सेकंड में डाल दो, किस में डाल दो, सेकंड में। सो 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 इंटू कितना 60, 343 डिग्री 38 मिनट 120/11 सेकेंड्स, यस और नो, चलो सो 120/11, 11 बन जा 11, यहाँ 1, यहाँ पे कितना 0। ओके अब डेसिमल लगाना पड़ेगा, खैर अब कुछ मत करो आप, इतना छोड़ दो। ओके 11 और फिर कितना आएगा यहाँ पे 0 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आंसर देख लीजिए, 343 डिग्री 38 मिनट एंड 120
अपॉन 11 सेकेंड। चलिए चेक करिए आंसर। ओके तो अप्रॉक्सीमेट देखो यहाँ पे आपको जब डेसिमल लोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, और आपको 11 नाइन जा करना पड़ेगा। बोलो यस और नो, तो कितना आएगा 1.9, कितना आएगा 1.9, 10.9, यस 10, जीरो लगाओगे डेसिमल आएगा 11 10 जा 110, सॉरी 120 है, 11 से डिवाइड कर रहे थे ना, 11 10 जा 110, और यहाँ पे कितना आएगा जीरो, इधर पे कितना 1, तो 10 पॉइंट फिर डेसिमल लगाने के बाद आएगा 9। ओके तो 10.9 को नियर अबाउट कितना मान सकते हो, 11, कितना मान सकते हो 11। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ 343 degree 38 minute, यस एंड 11 सेकेंड। अब ये हो चुका है कंप्लीट डिग्री इनटू द रेडियन। बोलिए आया समझ में ना। सो दिस वे यू कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू द रेडियन एंड रेडियन इनटू द डिग्री। फिलहाल ये जो क्वेश्चन था ये रेडियन को डिग्री में था, ये क्या था रेडियन को डिग्री में, बिकॉज आपको दिया हुआ था रेडियन एंड आपने इसको कन्वर्ट किया किस में, डिग्री में, ठीक है ना। तो डिग्री में जब कन्वर्ट होते तो आपका काम बढ़ जाता है, क्योंकि डिग्री में पहले आपको डिग्री लाना है, फिर मिनट लाना है, फिर क्या लाना है, सेकेंड लाना है, तो आपको सेकेंड तक आंसर देना पड़ेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी में करके दिखाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 degree, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ द लेंथ 37.4 centimeter। देखो कुछ ऐसा है, ये आपके पास में सर्कल बना हुआ है। ओके क्या कह रहा सर्कल में, सर्कल में आपके पास में एंगल है 60 degree, तो यहाँ पर मैं 60 degree का एंगल बना लेता हूँ। ये मान लो मेरे पास 60 degree का एंगल है। ओके और ये जो एंगल है ये कितना आर्क सबटेंड कर रहा है, ये एंगल तो सबटेंड हो चुका है, सॉरी इसमें कितना आर्क सबटेंड हो रहा है, 37.4 centimeter। आपको बताना है, क्या बताना है आपको, रेडियस, क्या बतानी है रेडियस। चलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अभी मैंने बताया था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। देखो कहाँ गया फॉर्मूला, बताया था कि नहीं बताया था, बोलो है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, क्या होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये लिखा ना आर्क अपॉन रेडियस, तो यही फॉर्मूला हमको लगाना है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का। तो चलो तैयार हैं हम लोग ये फॉर्मूला लगाने के लिए, हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कुछ किताबों में आपको ये फॉर्मूला एल बाई आर की फॉर्म में मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब क्या मन कर रहा है, एल थीटा की जगह क्या रख दो 60, बिल्कुल गलत, जैसे ही आपने 60 रखा गया काम से, क्योंकि पहले ही मैंने इसमें डिस्क्लेमर लगाया था, चेतावनी दी थी कि ये फॉर्मूला किस में लगता है, रेडियन में, किस में लगता है, तो पहले जो आपका 60 degree उसको रेडियन में बदलो। तो 60 degree ट्रिक, क्या ट्रिक बताइए, रेडियन में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई ऊपर और 180 नीचे, क्योंकि 180 degree याद आता है ना, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया ऐसा समझ लो। बोलो हाँ, अब 60 से कितने बार, बोलो 3 बार, तो आंसर बोलो कितना आया, पाई बाई 3, तो यहाँ पे एंगल हो गया पाई बाई 3, एल कितना हो गया 37.4 हुआ ना, और रेडियस आर, रेडियस कितनी है आर, चलो आर को ऊपर ले जाओ, 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई कितना पाई, तो 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई पाई बोले तो कितना 22/7, क्लियर है, तो 37.4 मल्टीप्लाई बाई कितना 21 डिवाइड बाई कितना 22। चलो तो अपने पास तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से करेंगे, टाइम नहीं ख़राब करेंगे, 37.4 मल्टीप्लाई बाई 21, ओके 37.4 मल्टीप्लाई बाई 21 इक्वल्स टू 785.4। अब भाई साहब इसमें किसका डिवाइड करना है, 22 का, 785.4 डिवाइड बाई 22। चलो आंसर चेक करो, 35.7 centimeter, देखिए आंसर 35.7 centimeter बिल्कुल करेक्ट है, आंसर आ रहा है हमारा 35.7 centimeter। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या थी, यहाँ पर जो एंगल था वो 60 डिग्री था और आपने उसको रेडियन में बदला तो कितना आ गया था, पाई बाई 3।
आया था कि नहीं आया था, एंगल इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो चलिए बच्चा पार्टी जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फोर है, एग्जाम्पल नंबर फोर देखते हैं कैसे करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ये हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आई डोंट थिंक, देखते हैं क्या क्या गलती हुई है। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूँ है ना, कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मान लो ये मिनट हैंड है और मिनट हैंड जो होता है ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी बन गई 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, कह रहा बताओ कि 40 मिनट में इसकी टिप कितना मूव करेगी। ओके देखो आपको एंगल नहीं दिया गया बट इतना तो निकाल सकते हो ना, 40 मिनट में इसकी टिप कितना मूव करेगी। चलो देखते हैं, देखिए देखिए जो आपकी मिनट की क्लॉक होती है वो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री मूव करती है। बोलो यस ऑर नो, मतलब सबसे पहले मैं एंगल निकालता हूँ कि यहाँ का एंगल कितना होगा, यहाँ का एंगल कितना होगा। तो अगर मैं मिनट की क्लॉक की बात करूँ तो 60 मिनट में कितने डिग्री एंगल, 360 डिग्री, यस ऑर नो। तो एक मिनट में 360 डिवाइडेड बाई 60 कितना हुआ, 6 डिग्री, मतलब एक मिनट में कितना एंगल 6 डिग्री। से यस ऑर नो, ऐसे नहीं, यस स्पीक। ओके सो एक मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री, आपको कितने मिनट बोला 40 डिग्री 40 मिनट, तो एक मिनट में 6 डिग्री है तो 40 मिनट यानी 40 मिनट में कितना होगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 6 आंसर कितने डिग्री 240 डिग्री, यस ऑर नो। 40 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा 240 डिग्री। अब आपको लगाना है कि 240 डिग्री जो है उसमें कितना आर्क बनाएगा, आर्क पूछा गया ना, तो 240 डिग्री को सबसे पहले कैसे मतलब रेडियन में, तो 240 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, यस ऑर नो, पाई अपॉन 180, तो 240 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। चलो इसको कैंसिल करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से कितने बार 3 टाइम, 6 से 4 टाइम, मतलब कितना 4 पाई बाई 3 डिग्रीज, 4 पाई बाई 3 डिग्रीज। नाउ 4 पाई बाई 3 डिग्री हो चुका है, नाउ एंगल आ चुका है अपना कितना इन रेडियन 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब आपको फार्मूला पता है एंगल इज इक्वल टू होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं होता है। सो आपको आर्क चाहिए ना, तो आर्क रेडियस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल मल्टीप्लाई बाई कितना रेडियस, यस ऑर नो। एंगल कितना है 4 पाई बाई 3, रेडियस कितनी दी गई है ऊपर देखो, इसका लेंथ कितना था 11.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करो, 4 अपॉन 3 और पाई का वैल्यू कितना 22 अपॉन 7 इंटू कितना बोलो 1.5, यस ऑर नो। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 6, 15 गुणे 4 60 होता है, डेढ़ गुणे 4 कितना होगा 6 होगा, ऊपर कितना 22 और नीचे कितना है 21, बोलो यस ऑर नो। 22 गुणे 6 कितना हुआ 6 टू जा 12, 2 हो गया, 6 टू जा 12 प्लस 1 32 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर, 132 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर। चलो निकालता हूँ कैलकुलेटर से, 132 डिवाइड बाई कितना था 12 ना 21 आंसर देखिए 6.28 आ गया एकदम, तो बिल्कुल सही आंसर आपका, कितना आया आपका आंसर 6.28 सेंटीमीटर्स, डन। तो आराम आराम से करना आपको क्वेश्चन, जल्दीबाजी मत करिए, आराम से सीखिए इसको, धीरे धीरे बनेगा। अब आप देखिए पता लगाइए कि आपकी गलती कहाँ हुई है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री चलता है, गलती यहीं पर हो गई बच्चे लोगों से, 60 मिनट में 360 डिग्री चलता है। ओके चलिए तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लगाइए, जो गलती हुई इसको सही कीजिए, डन। ओके गाइस सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, अ सर्कुलर वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर, एक आपके पास सर्कुलर वायर है 3 सेंटीमीटर रेडियस का,
ठीक है ना। एक वायर है, ए सर्कुलर वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर इज कट, 3 सेंटीमीटर का सर्कुलर वायर जो है काट दिया जाता है, बीच से काट दिया जाता है यहाँ कहीं से, एंड बेंट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हुप हुज रेडियस इज 48 सेंटीमीटर, और जो है इसको 48 सेंटीमीटर की रेडियस के लूप के ऊपर बेंट कर दिया जाता है। मान लो आपने इसके ऊपर बेंट कर दिया, इसको कर दिया बेंट, बताना है एंगल इन डिग्रीज, जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, चलो बताओ कितना होगा, सोच के बताओ ये एंगल कितना होगा। देखिए इसका सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ यार, कर क्या रहा है, कह रहा है कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर के वायर ये जो है, इस वायर को सबसे पहले खोल दिया गया, तो खोलोगे भाई साहब तो इसका सर्कमफेरेंस ना इसके ऊपर लगाओगे, तो सबसे पहले इसका सर्कमफेरेंस निकाल लो, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका, 2πr, 2πr, तो 2 × π, और r की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कितना हो गया 6π, मतलब इसके ऊपर ये जो आया है ये कितना हो गया 6π सेंटीमीटर। बोलो ये सुनो, अब आपको क्या है, अब आपको निकालना है इसका एंगल, ये एंगल कितना है, तो आप जानते हो कि एंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में कितना रेडियस, तो ये जो आया है कितना आया 6π अपॉन में रेडियस जो है वो कितना है आपका, बोलो रेडियस कितना है, 48। अब ये जो आंसर आया आपका, ऊपर का जो लेंथ है ये भी कितना था सेंटीमीटर, नीचे भी कितना है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, मतलब 6π/48। बच्चों ये रेडियन है, क्या है ये, अब आपको इसको किसे बदलना है, डिग्री में, किसे बदलना है डिग्री में, किसे बदलना है डिग्री में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, एंगल इन डिग्रीज, और डिग्री बदलने के लिए मैंने बोलो क्या बताया था, बिल्कुल सही, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना 180/π का, और अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो देख लो 6π/48 करके आपने इसको सॉल्व करना है, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, है ना, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो 6/48 पाई से पाई कैंसिल हो गया, इंटू कितना बेटा 180, 6 से कितने बार गया 8 बार, 6×8=48, हाँ या ना, 180/8, बच्चों आप 8 को 4×2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो 4 से कितने बार होता 45 बार, बोलो हाँ या ना, तो 45/2, 45 डिग्री का आधा कितना होगा 22.5 डिग्री, कितना होगा 22.5 डिग्री, तो आंसर इसका कितना बन गया 22.5 डिग्री। बोलिए क्लियर है ना, चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए,